सिडनी में टीम इंडिया 34 रन से हार गई। कागजों में कमजोर नजर आने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैदान में बाजी मार दी। रोहित शर्मा ने शतक जड़ा लेकिन बेकार चला गया। उप कप्तान रोहित शर्मा ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धोनी के बारे में एक बात कही। उन्होंने कहा कि धोनी मौजूदा भारतीय बल्लेबाजी क्रम में नंबर 4 पर सबसे उपयुक्त साबित होंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे हमेशा लगता है कि नंबर 4 पर धोनी की बल्लेबाजी टीम के लिए आदर्श होगी, लेकिन हमें रायडू मिल गया है जिसने अब नंबर 4 पर वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कप्तान और कोच इसके बारे में क्या सोचते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे खुशी होगी अगर धोनी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब रोहित ने साफ तौर पर धोनी को नंबर 4 के लिए बोल दिया, क्योंकि धोनी को नंबर 4 पर मौका ही नहीं मिलता। धोनी तब आते हैं जब टीम इंडिया की रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उसके बाद उसको सहारा देते हैं। ऐसा ही सिडनी के मैदान पर देखने को मिला। अगर धोनी उस वक्त अपना अर्धशतक ना लगाते तो शायद टीम इंडिया जल्दी ढेर हो गई होती। लेकिन यहाँ सवाल ये कि बाकी बल्लेबाजों ने आखिरकार कर क्या किया। आप क्या समझते हैं, क्या धोनी को नंबर 4 पर आना चाहिए? साथ ही अगर धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।